नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जनसन नॉलेज डेली लेके आता रहता हूं। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं OMR के बारे में। जी हां दोस्तों, OMR होता क्या है, OMR शीट क्या होती है और कैसे ये दोस्तों स्कैन की जाती है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, वीडियो स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप करके नहीं जाना है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए आपको बताते हैं OMR, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये दोस्तों, अगर आप दोस्तों वहाँ पे एग्ज़ाम दिए होंगे कोई ना कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो आपको ज़रूर पता होगा दोस्तों OMR सीट क्या होती है। तो OMR सीट दोस्तों एक वहाँ पे सीट होती है, जिसको आपको वहाँ पे सारे आंसर्स आपको उसी में फिलअप करने होते हैं दोस्तों। उसी सीट में आपको वहाँ पे पूरा वहाँ पे जैसे वन क्वेश्चन है, तो वन के सामने दोस्तों 1, 2, 3, 4 आपके उसके सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो दिए रहेंगे। जैसे आपको वन का 2 वाला जो ऑप्शन है वो समझ में आया, वो सही आपको लग रहा है, तो उस वन वाले क्वेश्चन के आंसर आपको देने के लिए 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन दिया गया उसको 2 या 2 वाले को आपको वहाँ पे पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, जैसा भी आपको निर्देश दिया जा गया हो उस कम्पिटेटिव एग्जाम में, उसको आपको वहाँ पे गोला करना होता है। तो यही होता है दोस्तों OMR सीट, उसमें आपको सारी डिटेल आपको गोले करके वहाँ पे फिलअप करनी होती है। अब वो गोला क्यों किया जाता है दोस्तों OMR सीट में, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर में दोस्तों, इसको इसीलिए बनाया गया है। पहले ये नहीं था, पहले दोस्तों ये ऑप्शन जो होता था वही उस क्वेश्चन पेपर में ही दोस्तों ऑप्शन रहता था, उसमें आपको टिक करवा के आंसर लिया जाता था। लेकिन दोस्तों उसमें प्रोसेस में चेक करने में दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो उसमें नहीं आ पाती थी, सिक्योर नहीं हो पाता था वो चेकिंग दोस्तों, उस काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी उस पर पैसा खर्च होता था। लेकिन अभी जो OMR सीट आ गई दोस्तों, उस OMR सीट का यूज करके आप दोस्तों जो वो OMR सीट का यूज़ किया जाता है उसको बहुत आसान तरीके से चेक किया जा सकता है दोस्तों। OMR स्कैनर जो होती है मशीन दोस्तों, वो एक घंटे में, आपको बताऊँ, एक घंटे में वो 10,000 से भी अधिक कापियों को चेक कर सकते हैं दोस्तों, इतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होती है। तो इसीलिए दोस्तों OMR सीट का यूज अब किया जाता है वहाँ पर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसका फुल फॉर्म होता है। अब मैं एडवांटेज की बात करता हूँ दोस्तों OMR सीट के, कुछ एडवांटेज की बात आपको बताता हूँ क्या इसके एडवांटेज हैं इसको यूज करने के। तो सबसे पहला एडवांटेज यही दोस्तों कि ये रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, यानी कि और सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि पहले जो मैन्युअली चेकिंग होती थी दोस्तों कापियों के, उसमें ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती थी, आदमी उसको चेक करते थे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर हो जाती थी। लेकिन अभी दोस्तों मशीन से चेक होती है आपकी OMR सीट, तो उसमें एरर बहुत ही कम चांस होता है आने के। प्लस दोस्तों ये दोस्तों, अगर आप वहाँ पे एक ही क्वेश्चन के 2 वहाँ पे आंसर आपने दे दिए हैं, तो ये OMR स्कैनर जो मशीन होती है वो आपके उस क्वेश्चन को गलत मान लेगी, उसको स्कैन नहीं करती है। नंबर 3, ये दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से गोले को नहीं वहाँ पे गोला किया हुआ है, उस ऑप्शन को नहीं गोला किया जो आपको सही लग रहा है, वहाँ पे काला बढ़िया से नहीं किया हुआ है, तो वो भी आपको OMR स्कैनर जो मशीन होगी वो स्कैन नहीं करेगी उस आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन को। नंबर 4 बात करें दोस्तों, तो ये जो स्कैनर होता है दोस्तों, एक घंटे में मैंने आपको बताया कि लगभग 10,000 से अधिक कापियों को चेक करता है, तो इससे आपका टाइम जो होता है दोस्तों उनका, वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इस एग्ज़ाम के, उनका टाइम बचता है दोस्तों, काफ़ी जल्दी वो रिजल्ट को आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसके कुछ मेन बिग एडवांटेज की मैंने आपको बात बताई OMR स्कैनर की। अभी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है दोस्तों OMR स्कैनर मशीन जो होती है, तो ये दोस्तों क्योंकि इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं इसलिए दोस्तों काफ़ी महंगी भी आती है मार्केट में OMR स्कैनर मशीन। तो यही दोस्तों थी OMR की, यानी कि OMR सीट वहाँ पे क्यों यूज़ की जाती है दोस्तों और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप नीचे जाइए इस वीडियो के कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली जरूर दूंगा। हमारे चैनल पर नए विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचा करेगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।